Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जो हम लोग concept पढ़ने वाले हैं under concept building series for PGT Commerce is methods of trial balance. So without wasting much time, let's get started. Guys, before moving ahead, Evo Study आप लोगों की performance, आप लोगों की preparation को boost करने के लिए कुछ courses offer कर रहे हैं. That is courses for PGT commerce examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे courses की details directly हमारी website पर जाकर check कर सकते हैं. Before moving towards our real topic, that is methods of trial balance, let's discuss the term that is trial balance. Trial balance basically आप लोगों को पता है कि एक statement होता है. वो statement में हम क्या करते हैं exactly? तो वो statement एक आपका accounting process का part होता है. बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग लेजर्स में उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं. तो हर लेजर अकाउंट के कुछ बैलेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, कुछ बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं. वो बैलेंसेज या तो आपके डेबिट होते हैं या तो आपके क्रेडिट होते हैं. सारे के सारे बैलेंसेज को, हर अकाउंट के सारे बैलेंसेज को ट्रायल बैलेंस में समराइज किया जाता है एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस फॉर क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस. राइट, ट्रायल बैलेंस में बेसिकली आपके डेबिट और क्रेडिट दो स्पेसिफिक कॉलम्स बनाए जाते हैं. ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस की मेन इंपॉर्टेंस होती है कि जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, हमें P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को बनाने में, प्रिपेयर करने में ट्रायल बैलेंस की समराइजिंग फॉर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो असर्टेन की जा सकती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करके. रीजन ये कि जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो हमारे जो डेबिट और क्रेडिट साइड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, बेसिक एस्पेक्ट हमारा यही रहता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड्स की बैलेंसेस हमेशा टैली करने चाहिए. अगर ये टैली नहीं कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि देयर आर सम काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, देयर आर सम काइंड ऑफ अर्थमेटिकल एरर्स जो हमने कहीं ना कहीं लेजर्स में या फिर जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम गलती कहीं ना कहीं की है. राइट, सेकेंड हमारा अगर ऑब्जेक्टिव पूछो तो क्या हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड समराइजिंग सारे के सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को समराइज करना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस. Now we'll directly move towards our topic, that is methods of trial balance. Methods of trial balance में सबसे basic तीन methods होते हैं trial balance को prepare करने के. सबसे पहला होता है total method, second one balance method and third one is your total cum balance method. Total method में basically आपको क्या करना होता है कि जितने भी आपके ledgers account होते हैं वो सारे के सारे ledger account का debit और credit balance का total हम लोगों को सबसे पहले ascertain करना होता है. जब हमें उस टोटल हर एक अकाउंट के डेबिट क्रेडिट बैलेंस की अमाउंट पता चल जाती है, टोटल पता चल जाता है, उस स्पेसिफिक टोटल को हम लोग ट्रायल बैलेंस में एज इट इज शो करते हैं. सारे के सारे क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट्स के टोटल को हम लोग ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं. एंड इसका मेन एस्पेक्ट क्या होता है कि जो हम लोग डुअल कंसेप्ट जो होता है हम लोगों के अकाउंटिंग कंसेप्ट को, इस डुअल कंसेप्ट को फॉलो करके इस मेथड को बनाया जाता है. राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैलेंस मेथड की, तो बैलेंस मेथड के अंदर बेसिकली जितने भी आपके डेबिट और क्रेडिट साइड्स होते हैं लेजर अकाउंट्स के, हर एक अकाउंट के बैलेंसेस को, उस स्पेसिफिक डेबिट और क्रेडिट के टोटल में से हम लोगों को दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है और उन बैलेंसिंग फिगर्स को हम अपने ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं. सो मीन्स टोटल के अंदर हम लोगों के जितने भी डेबिट बैलेंस का टोटल था और क्रेडिट बैलेंस का टोटल था, उस टोटल की टोटल अमाउंट हमने कहाँ शो कर दी, अपने ट्रायल बैलेंस में शो कर दी. जबकि अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस मेथड की, तो बैलेंस में हमारा जो डेबिट की अमाउंट होगी, जो क्रेडिट की अमाउंट होगी सेम अकाउंट की, सपोज कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में अगर आपका 10,000 डेबिट बैलेंस है और आपका 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो आप ट्रायल बैलेंस में 5,000 शो करोगे. इसका एग्जैक्ट बैलेंस्ड अमाउंट मींस डेबिट और क्रेडिट तो अल्टीमेटली 5,000 तो कैंसिल आउट होगा ना, तो वो कैंसिल आउट करके 5,000 आप ट्रायल बैलेंस में शो करोगे. दैट वाज बेसिक एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस मेथड. राइट, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये मेथड एज कंपेयर टू, अगर हम बात करते हैं
टोटल मेथड की। तो नेक्स्ट टोटल कम बैलेंस मेथड की अगर हम बात करें तो टोटल कम बैलेंस मेथड में हमारे बेसिकली चार कॉलम्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लेंडेड वर्जन होता है किन दो मेथड्स का, टोटल मेथड का और बैलेंस मेथड का। तो अगर टोटल मेथड में आपके सपोज दो कॉलम्स बनाए जा रहे हैं, बैलेंस मेथड में दो कॉलम्स बनाए जा रहे हैं, तो क्योंकि टोटल कम बैलेंस मेथड आपका ब्लेंडेड वर्जन है तो यहाँ टू फॉर टोटल एंड टू फॉर बैलेंस मेथड का टोटल करके चार कॉलम्स आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। अगेन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी मानी जाती है एंड इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसे बहुत रेयरली यूज किया जाता है। राइट कर लेते हैं कि जो मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैं ये अलग अलग केसेस में किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया है कुछ अलग अलग स्पेसिफिक अकाउंट्स का, आप एक बार इसे देख लीजिए। जो इस एक्सट्रैक्ट अभी हम लोगों ने देखा उस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग उन सारे अकाउंट्स को अपने अलग अलग मेथड्स में समराइज कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों का टोटल मेथड फॉलो करा जाता है तो टोटल मेथड में आपके पास कैपिटल कितनी थी, डेबिट बैलेंस था उसका, सॉरी क्रेडिट बैलेंस था उसका 1,50,000 का। सो 1,50,000 का जो क्रेडिट बैलेंस है आपका, दैट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड का टोटल इन योर टोटल मेथड ट्रायल बैलेंस अकाउंट। राइट नेक्स्ट हमारा जो कैश था वो कैश आपको डेबिट में 150 था और क्रेडिट अमाउंट जो थी वो 1,00,000 थी। तो हमने ये अलग अलग उन दोनों का टोटल स्पेसिफिकली सेपरेटली शो करा अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। सिमिलरली ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस था 10,000 का, बैंक का 50 और 30 का डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्टिवली बैलेंस थे हमारे पास, तो हमने उसको एज इट इज शो कर दिया। सैलरी थी 40,000 डेबिट बैलेंस में और राम के जो अकाउंट था दैट इज योर पर्सनल अकाउंट, वो आपका 50,000 क्रेडिट अमाउंट से शो कर रहा था, तो हमने उसे एज इट इज शो कर दिया। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अ बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड कैसे डिफरेंट है आपका टोटल मेथड से वो देख लीजिए एक बार। आपके पास कैपिटल की अमाउंट थी क्रेडिट अमाउंट, दैट इज 150, वो एज इट इज शो हो गई। अब यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ कैश अमाउंट जो था हम लोगों का, कैश अकाउंट की जो अमाउंट थी डेबिट की थी 150 और 1,00,000 थी आपकी क्रेडिट की। जबकि अगर हम अपने बैलेंस मेथड को देखते हैं तो वो क्या अमाउंट शो कर रहा है, वो बैलेंस्ड अमाउंट शो कर रहा है डेबिट अकाउंट में, दैट इज 150 माइनस 1,00,000 इज ऑफ 50,000 जो हम लोग डेबिट बैलेंस में डेबिट अमाउंट में शो कर रहे हैं। राइट यही स्पेसिफिक डिफरेंस है आपके टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में, कि टोटल में आपकी टोटल अमाउंट को शो किया जाता है जबकि बैलेंस में हमारे सिर्फ बैलेंसिंग फिगर्स दिखाई जाती है एंड पूरा का पूरा कॉलम पूरा का पूरा अमाउंट से शो नहीं किया जाता। राइट आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए। उसी सेम स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट के बेस पर हमने टोटल कम बैलेंस मेथड का फॉर्मेट बनाया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो दो कॉलम्स हैं स्टार्टिंग के, ये आपको शो कर रहे हैं टोटल मेथड जो हमने हमने पढ़ा अभी, ठीक है। एंड ये जो लास्ट के दो कॉलम्स हैं ये हमें शो कर रहे हैं बैलेंस मेथड जो इसके पहले वाली स्लाइड पर हमने देखा था। राइट इन शॉर्ट टोटल कम बैलेंस मेथड में आपको जैसा बताया गया था फोर कॉलम्स बनते हैं, वो फोर कॉलम्स किस बेसिस पर बनेंगे, दो कॉलम टोटल एंड दो कॉलम बैलेंस के बेस पर। एंड ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है इसलिए अकाउंटेंट्स जनरली इसे अवॉइड करते हैं प्रिपेयर करना। राइट गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ ये आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।